बाजार हाउस स्थित मछली मार्केट का नाम शहीद विश्राम मांझी के नाम पर न कर स्वर्गीय गफ्फार खान के नाम पर किए जाने की घोषणा सामान्य सभा में करने के बाद से आक्रोशित मछली मार्केट के व्यापारियों सहित मांझी मल्लाह केवट निषाद समाज के लोगों ने शहीद विश्राम मांझी की मां के साथ गुरुवार को पावर हाउस मछली मार्केट में धरने पर बैठ गए, जिनका समर्थन मछली मार्केट के व्यापारियों सहित भाजपा भिलाई के पार्षदों व पदाधिकारियों ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर किया। धरना प्रदर्शन को देखते हुए निगम उपायुक्त ने धरना स्थल पहुंचकर मछली मार्केट का नामकरण शहीद विश्राम मांझी के नाम पर करने की प्रक्रिया प्रारंभ होने की जानकारी। मछली मार्केट कैंप 2 का नामकरण शहीद विश्राम मांझी करने की मांग को लेकर गुरुवार को शहीद की माताजी आमरण अनशन पर बैठी। आमरण अनशन में बैठी शहीद की माताजी का समर्थन करने भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया सहित भाजपा पार्षद एवं मछली व्यवसायी बड़ी संख्या में मार्केट पहुंचे। यहां माल्यार्पण कर शहीद की मां अनशन में अन्य लोगों के साथ बैठी। स्वर्गीय विश्राम मांझी की माताजी के आमरण अनशन पर बैठने की जानकारी मिलते ही नगर निगम के कुछ अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन ब्रिजेश बिजपुरिया सहित अन्य लोगों द्वारा मौके पर निगम आयुक्त अथवा वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाने की मांग की गई। कुछ देर बाद पहुंचे निगम उपायुक्त ने उपस्थित लोगों से चर्चा की और मछली मार्केट का नामकरण शहीद विक्रम मांझी के नाम पर किए जाने की बातें कही गईं। शहीद की मां ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरे ये भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रिजेश पुष्पिरिया और भाजपा पार्षद भोजराज सिन्हा ने आमरण अनशन को लेकर जानकारी दी। शहीद की माता जी रुक्मणी देवी ने आज उनके बेटे के नाम से 15-16 साल से चलावा कर रहा था निगम, और वहां पर मार्केट का नाम नहीं लिया जा रहा था। अचानक गफ्फार खान के नाम से उस मार्केट में सामान्य सभा पास करके उसको गफ्फार खान के नाम से मार्केट बनाने का जो निर्णय हुआ, उसके बहुत ज़्यादा दुखी होकर के उन्होंने आज आमरण अनशन किया। उसके साथ आपके मांझी समाज के भी काफ़ी संख्या में लोग बैठे आमरण अनशन में, और हम लोगों ने भी उनको समर्थन दिया। और उसके बाद वहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग इसको विश्राम मांझी के नाम से मार्केट को घोषित करते हैं, और ये नगर निगम इसकी खानापूर्ति जो करना करते रहे, लेकिन हम इसको घोषित करते हैं। उनके दो अधिकारी आए थे तो उन्होंने बोला कि हम प्रस्ताव पारित करने वाले हैं, तो हमने बोला कोई आप जिम्मेदार व्यक्ति को भेजो, वो अपनी बात रखेगा तो हम मानेंगे। तो अभी इसके बाद उनके एक उपायुक्त आए थे नगर निगम के, एक अधिकारी और आए थे, उन्होंने बोला कि साहब इसको हम अपना कर रहे हैं और इसके लिए सामान्य सभा प्रस्ताव रख करके अभी हमने जो गफ्फार नाम से मार्केट करने की बात की थी उस पर स्टे लगा दिया है, और मांझी जी के नाम से हम मार्केट करने के लिए सामान्य सभा प्रस्ताव रख करके उसको पारित कर देंगे। उसके बाद इस मार्केट का नाम स्वर्गीय विश्राम मांझी के नाम से जाना जाएगा। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।